Amor. Binda, traveler, problem, traveler, I am traveler, traveler, binda, problem, traveler, I am traveler, I am traveler. So hello guys, welcome back to the channel. Or guys, आपने मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है गाइस. मेरी जितने भी ये जो बाली की ट्रिप के वीडियोस अभी आ रहे हैं, उन सभी को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और आई एम वेरी हैप्पी. सो गाइस, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जा रहे हैं आज उलू ढानू टेम्पल. और गाइस, आपको बहुत मज़ा आने वाला है. जो आपको व्यूज़ मिलेंगे ना उलू ढानू टेम्पल के, जो मतलब जब हम चलेंगे, मतलब हम जब जाएंगे, तो आपको जो व्यू आसपास का देखने मिलेगा ना गाइस, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा. तो गाइस, वीडियो में बने रहना और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि गाइस यहाँ का व्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. जो उलू ढानू के तरफ हम जाएंगे, टेंपल के तरफ जाएंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको. तो गाइस, बने रहना इस वीडियो में. Just in time to pick you up and see the sunrise. Days with you are my getaway. गाइस देख रहे हैं, ये बाली की कमांडो टीम है, मीन्स इंडोनेशिया की कमांडो टीम है, जो G20 के लिए जा रही है. आपको पता होगा कि बाली में हो रहा था G20, इंडोनेशिया में हो रहा था G20, लेकिन उसका मेन जो हब था वो बाली था. तो ये सब कमांडो उसी के लिए रेडी है. बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है. गाइस आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है बारिश हो सकती है, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां पे बारिश होती रहती है और ये बाली का मॉनसून सीजन भी है. लेकिन हर जगह नहीं होती, लेकिन शायद हम जहां जा रहे हैं वहां पे बारिश ज़रूर होने वाली है. तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो मौसम अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे बारिश होती है या नहीं. सो गाइस, अगर मैं आपको बता दूं कि कोटा से उलू ढानू टेम्पल है लगभग 60 किलोमीटर, और आपको लग जाते हैं 2 घंटे के आसपास. डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो और कैसे चला रहे हो. तो मैं आपको कहूँगा कि आप स्कूटी से जाइए, और आप अगर मतलब अगर आप सिर्फ फ्रेंड्स में जा रहे तो आप स्कूटी वूटी में जाइए, आपको अच्छा पड़ेगा और चीप भी हो जाता है ना. तो आप स्कूटी हायर कीजिए और आप स्कूटी पे ही ट्रैवल कीजिए. और आपको 2 से 2.5 घंटा लग सकता है, जल्दी भी पहुंच सकते हैं. डिपेंड करता है वो पूरा आप कितना कैसे चला रहे हो, पर मैं बोलूँगा आप इकोनॉमी में ही चलाइए, कोई फास्ट मत कीजिए. सुबह सिर्फ जल्दी निकल जाइए. हम लोग भी मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास निकल गए थे. Days with you are my getaway, peace of mind on a rainy day. You know how to show up right on time, never late. You're everything I want, don't play. You're everything I need, don't change the way you feel. And baby, I'ma keep it real. If they gave me everything, I would give it all away for you. ये देखिए गाइस, बारिश हो रही है, आप देख सकते हो. आपको पता नहीं कैमरे में पता है, लेकिन आप रोड देखोगे तो सब बारिश के वजह से भीगा हुआ है. और हमने रेनकोट तो लिया नहीं, ना हमारे पास पोछू है. तो देखते हैं, अगर आगे मिल गया तो ठीक है, क्योंकि अभी पता नहीं हमको काफ़ी दूर जाना है अब. और पता नहीं ये बारिश अभी तो फिलहाल थोड़ी हल्की हुई है, लेकिन देखते अभी आगे कितना आती है. G20
जिसका डर था गाइस वही हुआ, बारिश बहुत तेज़ आना चालू हो गई। ये तो हमारा नसीब अच्छा था कि बाजू में एक मतलब ऐसा कुछ बनाया हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब शेड ले लिया है। अब देखते हैं, व्यू तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं ये बारिश रुकेगी पिके नहीं। आज हम उल्लू धानू टेम्पल जा पाएंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा आ रही है। देखिए पानी भर रहा है गाइस, पानी भर रहा है। गाइस आपको बता दूं कि हम लोग वहाँ पे 2 घंटे से भी ज़्यादा थे, हकीकत बात है 2 घंटे से ज़्यादा थे, और बारिश रुकी नहीं रही थी। हमको लगा हम पीछे चले जाए, वापस अपने होटल चले जाए, उल्लू धानू स्किप कर दे, लेकिन मन तो था, तो हम लोग ने सोचा कि और रुकते हैं, तो रुका तो बारिश थोड़ी कम हो गई। फिर आगे हम लोग पोछू तो ले ही लेंगे गाइस, अगर हमको कहीं पोछू मिला तो हम लोग ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं फिर से उल्लू धानू के लिए। अब देखते हैं आगे, होपफुली बारिश तो आगे नहीं आए तो अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि बारिश आने वाली है। अब देखते कितना कहाँ कितना रुकेंगे हम, और हम टाइम पे पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि टेम्पल शायद 6 to 7:30 के आसपास बंद हो जाता है। देखते हैं अभी। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप इस वीडियो में बोर नहीं होगे, क्योंकि मैं आपको एकदम रियल व्यू दिखा रहा हूँ, जो मोस्टली कोई दिखाना पसंद नहीं करता। लोग अपने वीडियो को काफ़ी छोटा करना चाहते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे व्यूज़ मिले या ना मिले उससे मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ लोग हैं जो सफ़र इंजॉय करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको मैं ये वीडियो मतलब पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आपको मज़ा आएगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ चलो अगर हम लोग सोलो ट्रैवल करते हैं तो कितना मज़ा आता है, ग्रुप ट्रैवल करते हैं फ्रेंड्स के साथ तो हम स्कूटी लेके जाते तो इतना मज़ा आता है, मतलब एडवेंचर होता है। तो सीरियसली गाइस, बाली एक एडवेंचर प्लेस है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। मैं आपको क्या बताऊं गाइस, मुझे कितना मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा व्यू देख के इतना मज़ा आ रहा है। आप मुझे पता है कि वीडियो में आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, आप मीन्स आप देख भी सकते हो आप कि कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ये। और गाइस जो आपको दिख रहा है ना, सच में ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। Thank you.
can't even control it. You know your lips are golden, baby, get me high. Touching me like lightning, yeah. Keeping it exciting. You know exactly what to do to blow my mind. You're from another planet. I've never felt like this. I don't know how I ever survived without it. I'm sorry. आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका वीडियो का पार्ट टू आपको ज़रूर देखने मिलेगा। आपको ये इस वीडियो के अपलोड होने के 2 दिन बाद पार्ट टू भी अपलोड हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।
और मैंने इस वीडियो में जितना आपको दिखाने की कोशिश की होगी वो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपको सवाल मुझसे कोई भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना।